Assalamu alaikum dear students, I am Sumaya Mohammed from Boys Head Secondary School in Su. Dear students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट इकोनॉमिक्स का क्लास टेंथ के लिए और इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग जे एंड के इकोनॉमी. सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमी वो एक्टिविटी है जो किसी भी जियोग्राफिकल रीजन में हो जिसे हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ लीगल होनी चाहिए. इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं. और इकोनॉमिक्स मतलब कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो वसाइल है, उनको इस्तेमाल करके आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को यूज़ करके, इस साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस, साइंस ऑफ यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. नाउ वी विल सी द इकोनॉमी ऑफ जे एंड के. जम्मू और कश्मीर एक एग्रेरियन टेरिटरी है. यहाँ ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चरल सेक्टर पे. इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में कल्टीवेशन या एक्सट्रैक्शन करते हैं गुड्स की, जो कि हासिल की जाती है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज माइंस, लैंड एक्स्ट्रा, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब आते हैं प्राइमरी सेक्टर में. नाउ सेकेंडरी सेक्टर, इसमें जो प्राइमरी एक्टिविटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हम प्रोसेस करते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, और इसको फिर इस्तेमाल करने के लायक बनाते हैं. उस एक्टिविटी को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम वीट की मिसाल लेंगे, इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इसको मशीन की मदद से आटा बना लिया जाता है और उस आटे से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं. दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर, या इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. इसमें सर्विसेज आते हैं. ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. जैसे कि अगर हम ब्रेड की ही एग्जांपल लगाएंगे, ब्रेड सिर्फ वीट से ही नहीं बनती है, बल्कि इसको बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए भी लेबर की ज़रूरत पड़ती है. तो वो जो लेबर प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, वो इसी में आता है टर्शियरी सेक्टर में. इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. या इसी तरह से बैंक्स है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे यहाँ. बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी सर्विसेज हमें कोई किसी सूरत में किसी फॉर्म में प्रोवाइड करता है, वो आता है इस टर्शियरी सेक्टर में. अब हम देखेंगे इकोनॉमी ऑफ जे एंड के. जे एंड के की इकोनॉमी को हम इन्हीं थ्री सेक्टर्स में पढ़ेंगे. प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर किया जाता है, फसल का काम किया जाता है. तो ओवरऑल हमारी GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारी स्टेट कितनी सर्विसेज और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं. प्राइमरी सेक्टर 21% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि हमारी फसल में 21% कंट्रीब्यूट होता है हमारी स्टेट की GDP में. 22% सेकेंडरी सेक्टर में है, यानी वो गुड्स जो फैक्ट्रीज में जाकर दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे लकड़ी है, इसको जॉइनरी मिल्स में दरवाजे, खिड़कियां और दूसरे प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं. तो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 20% टूवर्ड्स GDP ऑफ अवर स्टेट, और दूसरे प्रोडक्ट्स भी बना लिए जाते हैं. 57% टर्शियरी सेक्टर में हमारी स्टेट कंट्रीब्यूट करती है इन GSDP, सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है. मगर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन होगी, उतनी ज़्यादा स्टेट सेल्फ डिपेंडेंट बनती है. प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर कम होते हैं हमारी स्टेट में एज कंपेयर टू टर्शियरी सेक्टर. ये आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कैसे प्राइमरी सेक्टर कम है और सेकेंडरी भी कम एज कंपेयर टू टर्शियरी सेक्टर. ये एक अच्छी बात नहीं है. अब हम प्राइमरी सेक्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर.
एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज कल्टिवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। एग्रीकल्चर में दो तरह की फसलें होती हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कल्टिवेट की जाती है मॉनसून सीजन में फ्रॉम मई टू अक्टूबर, और रबी क्रॉप्स कल्टिवेट की जाती है विंटर में फ्रॉम नवंबर टू मार्च। सबसे पहले हम लेंगे वो क्रॉप जो कि यहाँ ज़्यादातर ग्रो की जाती है, दैट इज राइस। राइस खरीफ क्रॉप है, ये ग्रो किया जाता है पूरी स्टेट में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एंड प्लेन्स ऑफ कश्मीर में ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होती है। राइस की बहुत सारी वैरायटीज़ ग्रो की जाती है यहाँ, मगर इसमें से बासमती राइस ग्रो की जाती है आरएसपुरा में जो कि जम्मू में है, और यहाँ की बासमती राइस बन गई है वर्ल्ड की फेमस बासमती राइस बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर क्वालिटी। और कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है राइस की, इसे राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। कश्मीर के राइस को हम बाहर बेचने के लिए नहीं ले जाते हैं बल्कि हम इसे लोकली कंज्यूम करते हैं। सेकंड इज मेज, मक्की। मेज भी खरीफ क्रॉप है, इट इज कल्टिवेटेड ऑल ओवर द स्टेट। मेज इज मैनली ग्रोन इन उधमपुर, डोडा, राजौरी, कुपवाड़ा, अनंतनाग, इन सब में ज़्यादातर ये ग्रो की जाती है। वैसे तो ये हर घर में मक्की हम ग्रो करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए भी। पल्सेस, दालें खारिफ क्रॉप है। मेजर पल्सेस जो हमारी स्टेट में है दैट इज राजमा, रेड किडनी बीन्स, राजमा दाल जिसको हम बोलते हैं, मूंग दाल, माश एक्स्ट्रा। वीट, वीट भी ग्रो किया जाता है हमारी स्टेट में, ज़्यादातर जम्मू में ग्रो किया जाता है, इसे भी लोकली कंज्यूम किया जाता है, ये कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट नहीं है। इसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए ग्रो नहीं किया जाता है यहाँ पर बल्कि लोकली इसको कंज्यूम किया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी पैदावार बहुत बड़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल होता है जिससे ज़्यादा पैदावार होती है। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट्स के बारे में। फॉरेस्ट में प्राइमरी सेक्टर, फॉरेस्ट्स प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं लाइक फायरवुड, टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन। जम्मू डिवीजन में टोटल फॉरेस्ट कवर है 12,066 स्क्वायर किलोमीटर्स। कश्मीर डिवीजन में है 8,128 स्क्वायर किलोमीटर्स और लद्दाख में 36 स्क्वायर किलोमीटर्स। जम्मू में सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ के कॉमन ट्रीज है खैर, तहली, कोको, सिलिक ट्री। ज़्यादातर फॉरेस्ट्स कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, रियाजी, राजौरी, पुंछ और चिनाब वैली में पाए जाते हैं। ये मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं, यहाँ देवदार, चीड़ के पेड़ होते हैं। कश्मीर के फॉरेस्ट्स को हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है, इनमें देवदार, पाइन, वुदुल, मैपल ट्रीज पाए जाते हैं। लद्दाख के फॉरेस्ट्स को फॉरेस्ट इन कोल्ड एरिड जोन कहते हैं, यहाँ किकरकुल होते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड बिजनेस देखेंगे हम आप। फॉरेस्ट्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ज्वाइनरी मिल्स को, जहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं लाइक प्लाईवुड, इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसके अलावा फॉरेस्ट से बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, इनसे बहुत सारी दवाइयां बना ली जाती है। विलो, विलो के बैट बनते हैं कश्मीर में संगम एरिया में, ये फेमस है बैट बनाने में, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज बैट्स बनाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये भी प्राइमरी सेक्टर है जेएनके की इकोनॉमी का। इसमें हमें वूल मिलता है, दूध मिलता है, गोश्त मिलता है। इसमें ज़्यादातर नोमेडिक गुज्जर और बकरवाल्स इसका सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन, कश्मीर में मिल्क प्रोडक्शन
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है बहुत सारे लोगों को। डेयरी बिजनेस चलता है यहाँ पे बहुत सारे नामों से, लाइक खाइबर, स्नो कैप, जमजम। और कश्मीर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है उसका एक डायनेमिक रोल है इन डायरी सेक्टर। नेक्स्ट इज वूल। मुख्तलिफ किस्म का वूल प्रोड्यूस किया जाता है हमारी स्टेट में। इसमें पश्मीना वूल सबसे कीमती माना जाता है। इसे शॉल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस सेक्टर से भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अनदर इज हॉर्टिकल्चर सेक्टर। अब हम देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है इन द इकोनॉमी ऑफ आवर जम्मू एंड कश्मीर। हॉर्टिकल्चर दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स। मतलब ऐसा साइंस जो फ्रूट से डील करता है, उसकी टेक्नोलॉजी से, उसका आर्ट साइंस उसे डील करता है, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट और दूसरी किस्म के फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो फ्रूट ग्रोवर्स जो होते हैं यहाँ के, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है इस बिजनेस से। हमारी J&K में फ्रूट से जैम्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, फ्रूट से जूस भी बना लिया जाता है। एप्पल्स जो है वो नेशनल फेमस फ्रूट है। हमारी जो इकोनॉमी है ज़्यादातर इसी पे बेस्ड है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग एप्पल्स को एक्सपोर्ट करते हैं बाकी स्टेट्स में। और हॉर्टिकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 7-8% टू स्टेट GDP। एनुअल इनकम जो है इसकी दैट इज 500 करोड़ रुपीज। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा आज इकोनॉमी ऑफ J&K और उसमें हमने देखे डिफरेंट सेक्टर्स के क्या कंट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स द GDP, स्टेट GDP, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और बाकी के हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।